नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल रियासत की। जो हिमालय का रीजन है भारत के उत्तर में, उसमें कई रियासतें थी। अब कुछ जो थी वो जम्मू और कश्मीर जैसी बहुत बड़ी रियासतें थी, बाकी जो थी वो हिमाचल प्रदेश में कई छोटी छोटी जो हिमालय की घाटियों में बसी रियासतें थी, जिन्हें पहाड़ी स्टेट्स कहा जाता था। तो वैसे ही एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण रियासत थी टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जो है वो उत्तराखंड की एकमात्र रियासत थी, और टिहरी गढ़वाल इस रियासत का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ क्योंकि ये इस रियासत ने उत्तराखंड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के साथ भी इसका एक गहरा नाता है। इसका कारण ये है कि जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और बाकी कई जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो टिहरी गढ़वाल रियासत के अंडर आती थी। इनफैक्ट आज भी जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के द्वार भी खुलते हैं, वो आज भी मतलब रियासतें खत्म होने के इतने साल बाद भी राज परिवार के परमिशन से ही ये मंदिरों के द्वार खुलते हैं। तो इसकी वजह से टिहरी गढ़वाल का इतिहास भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्राचीन काल में जाएं तो हमें ये जो पूरा जो क्षेत्र था, जो ये जो गढ़वाल रीजन है, वो घने जंगल हुआ करते थे और आबादी यहाँ पे ज्यादातर नहीं थी। हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे जो लोकल मूल निवासी लोग थे वो नागा वर्शिपर्स थे, ये नाग देवता की पूजा करते थे। और जो हिंदू धर्म के जो हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो स्कंद पुराण है, उसका जो केदार खंड है, उसमें इस पूरे क्षेत्र का हमें वर्णन मिलता है। ये हिमाचल की भूमि है, ये हिमगिरी जो हिमालय के जो मास्टर्स हैं उनकी भूमि है, ये देवों की भूमि है। इस भूमि का जो रेफरेंस है वो देव भूमि करके किया गया है। इसलिए ये ना, अगर आप नाम भी देखें तो देवप्रयाग या उत्तरकाशी या ऐसे ऐसे यहाँ पे ये जो सारे जो गांव के नाम है वो इस तरह है, से रिलीजियस इंपॉर्टेंस के हैं। नॉट ओनली दिस, ये पूरे क्षेत्र में हम कह सकते हैं तप भूमि हुआ करती थी। वहां पे पूरे भारत से ऋषि मुनि आते थे और पहाड़ों में और जंगलों में तप किया करते थे, और उनके आश्रम भी यहाँ पर थे। पुरातन काल में हमें यहाँ पर जो राज है या राजा है उनके इतने ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलते हैं। हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि एक राज्य हुआ करता था कुनिंद राज करके, जिसके जो राजा थे वो हस्तिनापुर में जब युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पर उसके अलावा ज्यादा हमें पॉलिटिकल रूल के या राज्य के यहाँ पे रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। टिहरी गढ़वाल राज परिवार जो है उसके अर्ली रेफरेंसेस हमें 1340s के मिलते हैं, कि राजा अजयपाल करके एक राजा थे जिन्होंने देवपालगढ़ करके एक जगह है वहां पे अपना राज्य स्थापन किया, और धीरे धीरे करके अलग अलग गांवों को कैप्चर करके पूरा जो गढ़वाल एरिया है वो अपने कंट्रोल में उन्होंने लाया। बट इसके अलावा और राजाओं के नामों के अलावा हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या एपिग्राफिकल एविडेंस हमें इन राजाओं का नहीं मिलता है। अगर हम देखें राज परिवार का मोर पुख्ता एविडेंस हमें सिर्फ 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलता है, जब राजा बलभद्र शाह जो थे उन्होंने अपना राज्य शुरू किया। अब हमें ये पता चलता है कि अगर आप देखें तो राजा बलभद्र शाह जो है उनके पहले के जितने भी राजा थे वो पाल अपने नाम के आगे लगाते थे, बट इनके राजा बलभद्र शाह के आगे के जो सारे राजा थे वो शाह लगाने लगे। नाउ विच वॉज अ वेरी पर्शियनट टर्म। तो हमें ये पता चलता है कि जो इन्फ्लुएंसेस थे बाकी भारत से वो अब गढ़वाल रीजन में आना शुरू हो चुका था। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो उस समय, क्योंकि गढ़वाल का जो राज्य है, इनफैक्ट हिमाचल के जो बाकी कुमाऊं का राज और बाकी पहाड़ी राज्य जो है वो बिकॉज इतने घने जंगलों से घिरे हुए थे और इतनी
घाटियों में थे। तो क्योंकि ये इतना इनएक्सेसिबल एरिया था, तो जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, जो दिल्ली पर जो सत्ता की थी, जो राजाओं ने और जो काफी हमले हुए थे भारत पर, तो इन हमलावरों ने, मतलब दिल्ली के सुल्तान हो मुगल हो, उन्होंने इन पहाड़ी राजाओं पर ज्यादातर आक्रमण करना पसंद नहीं किया और एक अच्छा रिलेशन उनके साथ रखने की कोशिश की कि आप हमें लगान दे दीजिए और हम आपके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। अभी ये रेफरेंस मिलता है कि राजा बलभद्र शाह के जो बहलोल लोधी है, दिल्ली के जो सुल्तान है, लोधी सुल्तान, उनके साथ अच्छे संबंध थे, और गजेटियर, जो गढ़वाल का जो गजेटियर है, उसमें ये रेफरेंस मिला है कि जो 1620s के करीब बहलोल लोधी ने बहादुर शाह का खिताब जो यहाँ के जो राजा बलभद्र शाह है उनको दिया था। तो क्योंकि जो उत्तराखंड के जो दो प्रमुख राज्य थे, गढ़वाल और कुमाऊं, ये जो थे वो आइसोलेटेड राज्य थे, उन पर बाहरी ताकतों का प्रेशर नहीं था, तो ऑलमोस्ट आगे के 200 1600 से लेके 1800s तक, ये जो 200 साल का समय है, ये दो राज्य आपस में झगड़ते रहे, आपस में एक दूसरे पर हमले करते थे, कत्लेआम करते थे, लूटते थे, और अगले 200 साल का जो उत्तराखंड का इतिहास है वो यही है, कुमाऊं और गढ़वाल की जंग और उनकी लड़ाई। और उससे क्या हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये जो बोलते हैं ना एक बैलेंसिंग, आप एक दूसरे को काटते रहो तो जो बाहर की जो ताकतें हैं वो स्ट्रांग होती जाती है और आप अंदर से खोखले होते जाते हो। तो इसका हमें फिर आगे चल के इसको हमें दिखाई देगा कि कैसे फिर ये दोनों राज्य ऑलमोस्ट एक समय खत्म ही हो गए थे अंदरूनी झगड़ों के कारण। उसके बाद जब लोधी सल्तनत खत्म हुई और मुगलों का राज आया, तो जो पहले के कुछ जो मुगल शासक थे, जैसे कि बाबर और फिर से हुमायून, अकबर, जहांगीर तक, उन्होंने गढ़वाल के साथ उनके अच्छे संबंध थे और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ करता था। तो मुगलों और गढ़वाल का जो रिश्ता है, उसका हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है 1640s का। ये अराउंड, मतलब जो जहांगीर और शाहजहां जो है, ये उनका समय था, और तब एक बहुत बड़ी मुगल फौज ने गढ़वाल पर हमला कर दिया था। अब अनफॉर्चुनेटली उस समय क्या हो गया था कि गढ़वाल में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था और काफी लोग मरे थे, काफी लोग ने गढ़वाल छोड़कर बाकी जगहों पर चले गए थे, और हम इजीली उस पर कब्जा कर लेंगे, पर उनको ये नहीं पता। और इनफैक्ट जो गढ़वाल के जो राजा थे, पृथ्वी शाह, वो बहुत छोटी उम्र के थे, तो मुगलों को क्या लगा कि अब गढ़वाल का राज्य बहुत ही वीक हो चुका है, पर उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया था कि जो गढ़वाल की जो रानी थी, रानी कर्णावती, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रानी थी। अब ये एक बहुत दुख की बात है कि जो उत्तराखंड या इनफैक्ट गढ़वाल के बाहर के लोग रानी कर्णावती की कहानी नहीं जानते हैं। तो रानी कर्णावती जो थी वो कांगड़ा की राजकुमारी थी और गढ़वाल के राजा से ब्याही थी, और जब उनके पति का निधन हुआ था तो उनके बेटे पृथ्वी शाह छोटे थे, तब उन्होंने इस रियासत की बागडोर संभाली थी। और जब मुगलों का हमला गढ़वाल पर हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गढ़वाल को डिफेंड किया। उनकी एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने क्या किया कि जो गढ़वाल में तो अकाल पड़ा ही हुआ था, तो मुगल जो आर्मी है उसे अनअपोज्ड अंदर आने दे दिया, और एक बार वो मुगल फौज गढ़वाल के अंदर आ गई तो उनके जो जितने भी सप्लाई रूट्स थे वो सारे काट दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मुगल जो सेना है वो भूख से तड़पने लगी और एक बहुत कमजोर हो गई। और जैसे ही ये सेना कमजोर हो गई तो पहाड़ों से आकर गढ़वाल की सेना ने उन पर हमला बोल दिया और उनको हरा दिया। इनफैक्ट ये एक जो ओरल ट्रेडिशन है गढ़वाल का, उसमें जो रानी कर्णावती है उसे नकटी रानी कहा जाता है, बिकॉज रानी कर्णावती ने ऑर्डर्स दिए थे कि जब आप मुगल सैनिकों को डिफीट करोगे तो उनके नाक काट देना। और मान्यता के अनुसार जब गढ़वाल की फौज ने मुगलों को हराया था तो जो मुगल सोल्जर्स थे उनके नाक कटवाकर ही उन्हें गढ़वाल से बाहर भगा दिया था। तो इस कहानी की वजह से उन्हें नकटी रानी भी कहा जाता है।
जो रानी कर्णावती है उन्होंने गढ़वाल में काफी एक अच्छा राज उन्होंने बसाया। इनफैक्ट जो देहरादून है वहां पे राजपुर कनाल करके है जो देहरादून को पानी सप्लाई करता था, और ये माना जाता है कि उस कनाल को, जो राजपुर कनाल है, उसे रानी कर्णावती ने ही बनाया था। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, टैंक्स बनवाए, और उन्होंने एक गढ़वाल पर एक अच्छा अपना राज्य जमाया। जब गढ़वाल ने मुगलों को हरा दिया तो मुगलों ने क्या किया, जो कुमाऊं के जो राजा थे बास बहादुर चांद, उनके साथ मिलकर उन्होंने गढ़वाल पर फिर से हमला किया। और बिकॉज ये डबल फोर्स थी तो ये आई मीन अराउंड 20 साल इस रानी कर्णावती के अराउंड 10-15 साल बाद की बात है, तब ये कुमाऊं और मुगलों की जो बड़ी फौज है उसने गढ़वाल पर हमला कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो गढ़वाल राजा है उन्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ी मुगलों के साथ, और वो उन्होंने लगान देना, मतलब जो ट्रिब्यूट देना, अग्री किया दिल्ली के मुगल एम्परर्स को। उसके बाद हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि जब ये अभी सबसे फेमस जो स्टोरी है कि शाहजहां जो थे उनके चार लड़के थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, और जब शाहजहां है उनकी तबीयत जब खराब हो गई तब जो औरंगजेब है उसने अपने भाइयों को, जैसे कि दारा शिकोह को और बाकी भाइयों को कत्ल करवा दिया और दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। तब जो दारा शिकोह थे उनके जो बड़े बेटे थे सुलेमान शिकोह, उन्होंने टेरी गढ़वाल में पनाह ली और काफी समय तक, इनफैक्ट कई महीनों तक जो टेरी गढ़वाल के जो राजा है उन्होंने सुलेमान शिकोह को अपने पास अपने संरक्षण में रखा। बट ऑब्वियसली मुगलों का प्रेशर बहुत ज्यादा था, औरंगजेब की ताकत बहुत ज्यादा थी, और उसके कारण फिर गढ़वाल के राजा ने सुलेमान शिकोह को उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को भी मरवा डाला, जैसे कि उनके पिता दारा शिकोह को मरवाया था। इसके बाद अगला रेफरेंस हमें जो गढ़वाल के राजाओं का जो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में है उसमें मिलता है, जो बैटल ऑफ बानगनी हुआ 1688 में, तब जो सिख गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी ताकत काफी पंजाब में बढ़ गई थी और आनंदपुर साहब में उनकी राजधानी हुआ करती थी, और वो बहुत ही ताकतवर हो गए थे। तो तब जो मुगल हैं और काफी पहाड़ी राजा है इंक्लूडिंग द राजा ऑफ गढ़वाल, उन्होंने अपनी सारी फौजें कंबाइन करके जो सिखों पर हमला कर दिया था, और उसमें जो सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज है उसकी हार हो गई थी। तो इसमें गढ़वाल की फौज है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नॉट ओनली दिस, जो गुरु राम राय है, जो गुरु सातवें सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय के जो बेटे थे, तो उन्होंने गढ़वाल राज्य में पनाह ली थी और उन्होंने एक डेरा बसाया था अपना, जहाँ पे उनके सारे फॉलोअर्स आकर उनको मिलते थे एंड ऑल। तो इसी डेरा से डेराडून या डेहराडून, जो आगे चल के आज का डेहराडून बना, तो उसकी स्थापना हुई। तो गुरु राम राय और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें डेरा बनाने की परमिशन गढ़वाल राज्य में राजा फतेह शाह ने ही दी थी। राजा फतेह शाह के बाद राजा प्रदीप शाह जो है वो गढ़वाल के राजा बने। अब ये 1750s का दौर था, और जो रोहिले थे, जो रोहिलखंड जो इलाका है वहां के, तो वो बहुत ताकतवर हो गए थे। ये जो गढ़वाल का एरिया है उस पर उन्होंने अटैक किया था। इनफैक्ट जो नजीब उद्दौला है, नजीब खान, जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर गढ़वाल पर हमला कर दिया था। एंड इट इज ओनली इन द 1790s की जो गढ़वाल की फौज है वो रोहिलों को बाहर खदेड़ पाई। अब तब क्या हुआ कि जो कुमाऊं और गढ़वाल इनकी जो आपसी लड़ाई थी, इसकी वजह से कुमाऊं का राज और गढ़वाल का राज बहुत ही वीक हो चुका था, बिकॉज आपकी सारी जो ताकत है वो आप आपस में ही झगड़ने में उनकी लग रही थी। तो उसकी वजह से एक जो नई ताकत थी ये थे नेपाल के गोरखा। जब उन्होंने हमला किया 1790s में, तो कुमाऊं उसका सामना ही नहीं कर पाया और पूरी तरीके से वो नेपालियों के अंडर चला गया।
उसके बाद 1804 में एक बहुत बड़ी फौज लेकर नेपालियों ने अमर सिंह थापा और जो उनके बाकी जनरल थे उन्होंने गढ़वाल पर हमला कर लिया और गढ़वाल के राजा ने उनका सामना किया। इनफैक्ट एक लड़ाई में गढ़वाल के राजा की मौत भी हो गई और जो राज परिवार है उसे उसका जो कैपिटल है श्रीनगर, जो इनफैक्ट कश्मीर का श्रीनगर नहीं ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, उसे छोड़कर भागना पड़ा। नॉट ओनली दिस, उसके बाद जो नेपाली है वो पूरे हिमाचल में चले गए और हिमाचल के एक के बाद एक सारे राज्यों पर उन्होंने कैप्चर किया। वहाँ इनफैक्ट कांगड़ा तक वो पहुंच गए थे। तो ये जो पूरा जो हिमालय का जो एरिया है, जो आज का हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो इलाका है नेपाल बॉर्डर तक, ये पूरा जो गोरखा फोर्सेस है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1803 से लेकर 1814 तक जो 14 साल है ये जो गढ़वाल का जो राज्य है वो गोरखाओं के अंडर रहा। अमर सिंह थापा और ये जो बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो यहाँ पे राज करते थे। हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो नेपालियों का जो राज्य था गढ़वाल पर वो बहुत ही क्रूर राज्य था। यहाँ पे लोगों को बहुत लूटा जाता था, मारा जाता था। और सबसे हॉरिबल या हॉरिफिक हम बात ये कह सकते हैं कि नेपालियों ने यहाँ पे गुलामों की तस्करी शुरू कर दी थी। गढ़वाल में लोगों को, इनफैक्ट इवन कुमाऊं में लोगों को, मतलब मंडियां थी जहां पे इंसानों को गुलाम, स्लेव मार्केट्स जिसे हम बोलते हैं, उन्हें बेचा जाता था। और अगर आपको उनके भाव, अगर उन्हें गढ़वाल में या कुमाऊं में उनके भाव अच्छे नहीं मिलते थे तो उन्हें नेपाल जाकर नेपाल में बेचा जाता था। तो ये जो 11 साल का जो गोरखा राज था गढ़वाल में, ये बहुत ही डिफिकल्ट राज था, एक डार्क एज था गढ़वाल के लिए। 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके झगड़े गोरखाओं के साथ होने लगे। उनको ये रियलाइज हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों की, नेपालियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यूसी वो भारत, उनके जो भारत के जो पोजेशंस थे उन पे भी खतरा हो सकता है। तो जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ उसके बाद 1814 में जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है वो साइन हुई। तो जिसके जिसके अंतर्गत ये जो पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का जो एरिया है वो ब्रिटिश उन्होंने ले लिया और जो बॉर्डर्स हैं नेपाल के, जो आज के बॉर्डर्स हैं वो तय हो गए। और मतलब गोरखास के साथ एक अग्रीमेंट हुआ कि वो ये बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करेंगे। 1814 में जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि गढ़वाल के दो हिस्से कर लिए। एक जो पहाड़ी जो हिस्सा था वो राज परिवार को लौटा दिया गया, जिसे टेहरी गढ़वाल, प्रिंसली स्टेट ऑफ टेहरी गढ़वाल बना। और जो जो प्लेन्स का जो एरिया था, जो इतना जो ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल था और जिसमें अंग्रेजों को इंटरेस्ट था, ये जो देहरादून, मसूरी और ये आसपास के जो इलाके हैं ये सारे उन्होंने अपने पास रखे। तो बिकॉज गढ़वाल रियासत की राजधानी टिहरी बनी तो रियासत बनी टिहरी गढ़वाल, और जो लोअर इलाका था जो अंग्रेजों के पास चला गया उसे पौरी गढ़वाल कहा जाने लगा। जो गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे उनके और अंग्रेजों के बहुत अच्छे संबंध थे। हमें ये रेफरेंस मिलता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरठ, रोहिलखंड में काफी अंग्रेजों की और जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें झड़पें हुई, तो तब गढ़वाल के राजा ने अंग्रेजों की काफी मदद की, जिसकी वजह से आगे चल के फिर जो गढ़वाल के राजा हैं उन्हें महाराजा के खिताब उन्हें दे दिया गया। आगे चल के 1920s के करीब टेरी गढ़वाल पर जो यहाँ के जो आखिरी राजा थे महाराजा नरेंद्र शाह, उनका राज शुरू हुआ। जो महाराजा नरेंद्र शाह जो थे वो मॉडर्नाइजर थे, उन्होंने एक नए शहर की स्थापना की, नरेंद्र नगर जो कैपिटल बना गढ़वाल राज्य का। उन्होंने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, सड़कें बनवाए और एक प्रोग्रेस टेरी गढ़वाल में लाने की कोशिश की। वो जो दिल्ली का जो नरेंद्र मंडल था उसके मेंबर थे। 1947 में जो
टिहरी गढ़वाल रियासत है वो भारत में विलीन हो गई और फिर आगे चल के उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड का हिस्सा बनी। जब 1990s में टिहरी डैम बना तो जो उनकी जो राजधानी थी टिहरी, वो डैम अनफॉर्चुनेटली डैम के रिजर्वर के अंदर चली गई और आज न्यू टिहरी करके एक नया शहर वहाँ पे बसा है। जो टिहरी गढ़वाल का राज परिवार है वो आज भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और जो इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के वो गार्डियंस माने जाते हैं, जो उनका जो राजमहल है नरेंद्र नगर में वो आज अनंदा स्पा करके, जो दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पाज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव स्पाज इन द वर्ल्ड माना जाता है, तो उनका जो महल है वो आज एक स्पा है और जो राज परिवार है उसका इतिहास आज भी चल रहा है। तो ये थी कहानी टिहरी गढ़वाल रियासत की।